हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के साथ पार्टनरशिप फंडामेंटल से। और ये क्वेश्चन हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों है इम्पॉर्टेंट? क्योंकि ये हमारे एग्जाम में आया हुआ है। पहले सीबीएसई ने 2013 में ये आउटसाइड दिल्ली के पेपर में दिया था इसको। ठीक है जी, आइए तो एक बार समझें इस क्वेश्चन को और फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। क्वेश्चन हमें कहता है, अहमद, भीम एंड डैनियल, तीन पार्टनर है, अहमद, भीम एंड डैनियल आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 1 अप्रैल 2011 द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट्स स्टूड एट, उनकी कैपिटल दी हुई है 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपए। ठीक है, नाउ दे शेयर्ड प्रॉफिट्स, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। नाउ पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए एट द रेट 5% पर एनम, और सैलरी मिलनी चाहिए भीम को एट द रेट 3,000 पर मंथ, एंड कमीशन मिलना चाहिए 12,000 रुपीज का टू डेनियल। ठीक है, एज पर द प्रोविजन्स ऑफ डीड, यानी ये बातें डीड में लिखी हैं। ठीक है जी, आइए आगे चले। नाउ आगे क्वेश्चन कहता है, अहमद शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहता है अहमद का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो है गारंटेड एट नॉट लेस देन 25,000 रुपीज। तो हम इस पर बात करेंगे, गारंटी की बात है अहमद के लिए। उसके बाद अगली बात वो करता है भीम के लिए, कहता है भीम शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटेड एट नॉट लेस देन 55,000 रुपीज पर एनम। ठीक है, नाउ एनी डेफिशिएंसी, अगर कोई कमी पड़ती है अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय डेनियल, यानी इस बार गारंटी किसने दी हुई है, डैनियल ने गारंटी दी है। आगे देखिए क्वेश्चन आगे क्या कहता है। इसके अलावा प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 अमाउंट्स टू 2,16,000 रुपीज, 2,16,000 का प्रॉफिट है। क्वेश्चन मांगता है प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। अब देखो यहां से यहां तक जो पार्ट है ना क्वेश्चन का, ये गारंटी एडजस्टमेंट है, ये गारंटी एडजस्टमेंट है, एक्सेप्ट की ये प्रॉफिट, इस प्रॉफिट की अमाउंट को छोड़ दें तो इसमें सारी बात गारंटी को लेकर लिखी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को बगैर गारंटी का मानते हुए क्वेश्चन को करेंगे, आखिरी में चेक करेंगे कि गारंटी वाली बातें पूरी हो रही हैं नहीं हो रही, और नहीं हो रही हैं तो उनका एडजस्टमेंट करेंगे, उन्हें एडजस्ट करेंगे। आइए तो मेरे साथ हम सीधा चलेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पर, और आ जाइए पीएनएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट हम लोगों ने आप लोगों के लिए बना रखा है। ये देखिए, ये हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमारे पास नेट प्रॉफिट है, सो बाय पीएनएल अकाउंट, पीएनएल से हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया 2,16,000 का। अब क्वेश्चन ने हमें कहा है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर हमारे कौन कौन है, पार्टनर है अहमद, अहमद, भीम और तीसरा है डैनियल, ये तीन पार्टनर हैं। स्पेलिंग वगैरह देख लेना इनके नामों की आप लोग। हाँ तो कैपिटल इनकी देखो क्वेश्चन ने हमें दे रखी है 8 लाख, 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या है 5% पर एनम। आइए 8, 6, 4 पर हम इंटरेस्ट दें इनको, 8 लाख रुपए पर 5% के हिसाब से, 6 लाख रुपए पर 5% के हिसाब से इंटरेस्ट, और 4 लाख पर भी 5% के हिसाब से इंटरेस्ट दें। ये अमाउंट आपको दिख रहे हैं, साइज में थोड़ा बड़ा कर दूं अगर नहीं दिख रहा हो तो आप देखिए। ठीक है, आइए तो 8 पर 5% कितना होगा, वैसे ही होता 10%, 80,000, तो आधा हो गया 40,000। अगर बात करें यहां पर तो ये बनता है 30,000 रुपये, और अगर बात करें इसकी तो ये बनता है 20,000 रुपये। तो टोटल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया, टोटल कर लो ये 60 और 30, 90, 90,000 का आपने इंटरेस्ट दे दिया इनको। अच्छा, इसके अलावा देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, इंटरेस्ट के बाद बोल रहा है कि सैलरी दो भीम को 3,000 पर मंथ के हिसाब से। आइए सैलरी दे दें,
टू सैलरी अकाउंट, ब्रैकेट में डाल दो भीम के लिए ताकि याद आ जाए, ठीक है। अमाउंट कितना आ जाएगा, 3000 इंटू 12, ठीक है, कितना आ गया, 36000 रुपीज आ गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, कमीशन मिलना है डेनियल को 12000 रुपए का, ये सब डीड में लिखा है तो हम दे रहे हैं ये चीजें। टू कमीशन अकाउंट, ये हमने डेनियल को दिया है तो डेनियल का नाम लिख दें, ठीक है। कितना है हमारा, ये 12000 रुपए था ना, सॉरी, हाँ जी 12000 रुपए। इसके बाद देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है, इसके बाद क्वेश्चन ने बस गारंटी वाली बात पर आ जाता है। और देखो हमारी पीएसआर क्या है, 5:3:2 है, 5:3:2 देखो, तो ये रेशियो क्या काम आएगी हमारे, ये रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की आएगी। अभी देखो हम अभी तक गारंटी वाली बात पर गए नहीं है, गारंटी को आखिरी में देखेंगे, ठीक है। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद चेक करेंगे कि जो गारंटी की कंडीशंस थी वो पूरी हो रही है नहीं हो रही है। आइए, तो रिमेनिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है हम लोगों को, तो रिमेनिंग प्रॉफिट निकालें हम लोग। ये देखो मैं आप लोगों को यहां लिखकर बताता हूं, इस अमाउंट को मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं क्योंकि हमें गारंटी का एडजस्टमेंट करना है, इसके लिए मैंने स्पेस थोड़ा छोड़ा है, ठीक है। हमारा अगर हम बात करें क्रेडिट साइड है 2,16,000 रुपए की, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वगैरह है नहीं तो क्रेडिट साइड में और कुछ नहीं आया। अगर डेबिट साइड की बात करें तो डेबिट साइड का टोटल देखो कितना बन रहा है, यह है 90+36+12, सो 90 ऐड करो, 90 आप, मैं भी कर लेता हूं, आप भी करके मुझे बताओ, 90,000+36,000+12,000 कितना बन रहा है, 1,38,000 बन रहा है। और हमारे पास प्रॉफिट कितना था, 2,16,000, तो इसको माइनस कर दो, कितना अमाउंट आ जाएगा, 2,16,000 में से 38 जाएंगे तो बताओ कितने, 78,000, ठीक है। अब ये 78,000 जो अमाउंट आया है, सॉरी 78,000, इसको क्या करो, इसे पीएसआर में बांटो। पीएसआर क्या है आप लोगों की, पीएसआर है हमारी 5:3:2 में, तो देखो किसको कितना कितना हिस्सा मिलेगा। मैं इसे यहीं बांट के बता दूं, आप लोग कर रहे हैं, एक हिस्सा तो आएगा 7,800 रुपए ना, हाँ 7,800 आएगा क्योंकि टोटल 10% मान लो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं ऐसे करके दिखा देता हूं आपको, ये लो, ये थोड़ा सा ना पेन काम नहीं कर रहा था। आइए, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, नाम है अहमद, अहमद के बाद हमारे पास है भीम, और फिर है हमारे पास डेनियल, ठीक है। तो 78,000 5/10 कितना आएगा, जरा देखो मैं स्क्रीन का साइज बड़ा कर देता हूं, ये लीजिए अब, ठीक है। हाँ तो कितना अमाउंट आ जाएगा, ये आधा आएगा, 78 का आधा कर लो जरा, 35 और 4 39,000 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही भीम के लिए देखो, 78,000 का 3/10, जरा मुझे बताओ कितना अमाउंट आएगा, ये 78,000 को 3/10 करो, एक बार बताओ कितना आ रहा है, 23,400 रुपए, ठीक है, 23,400 ये आ गया। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें डेनियल की, तो डेनियल का कितना अमाउंट आएगा, 78,000 2/10, तो ये जरा अमाउंट बताओ कितना आ रहा है, 15,600, ठीक है, 15,600 रुपए ये आ गए। अब सुनिए जी ध्यान से बात, अब हम गारंटी की बात करेंगे आपके साथ, तो गारंटी की बात अगर हमें करनी है तो यहां आ जाओ मेरे साथ, 1/1 ध्यान से सुनना, हम गारंटी को एडजस्ट कर रहे हैं यहां, ये हमारे सॉल्यूशन का ही पार्ट चल रहा है, हम एक तरीके से वर्किंग नोट बना रहे हैं, वर्किंग नोट बता रहे हैं और गारंटी के एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, गारंटी एडजस्टमेंट की। देखिए सबसे पहले अगर बात करें हम लोग, गारंटी हमने दी हुई है अहमद को, अहमद को हमने क्या गारंटी दी है, अहमद को, अहमद को हमने बोला है कि आपको जो मिलेगा प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग
क्या है जी एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा वो, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन 25,000 पर एनम। आपको कम से कम 25,000 रुपए मिलने चाहिए प्रॉफिट के, इंटरेस्ट को छोड़ दो। तो आओ जरा अहमद का देखो आप लोग, अहमद को क्या क्या मिला है। अहमद का इंटरेस्ट छोड़ दो, इसे कंसिडर नहीं करने को बोल रहा 40,000 को। अहमद को और कुछ मिला है क्या? ना तो अहमद को सैलरी मिली है ना कमीशन मिला है। अहमद को मिले हैं 39,000 रुपीज मिले हैं। अब ये 39,000 रुपीज मिले हैं अहमद को, तो इसका तो गारंटी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। ये कंडीशन क्या है, ओके है, ओके एज ही रिसीव्ड रुपीज 39,000, उसे 39,000 मिल गए, सो नथिंग टू बी डन। इसके बाद अगली बात आती है हमारी, अगली बात आती है अहमद के बाद भीम की। भीम के लिए हमने क्या कहा, भीम को हमने कहा आपको मिलेगा प्रॉफिट का शेयर, प्रॉफिट का शेयर जिसमें इंक्लूड होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट नॉट सैलरी, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ेगा इस प्रॉफिट के अमाउंट में, या जो प्रॉफिट हम गारंटेड निकालना चाहते हैं उसमें हम कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो रहेगा बट सैलरी नहीं रहेगी। वो कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन कितना है जी, 55,000, ठीक है, नॉट लेस देन रुपीज 55,000। आइए चेक करें इसको हम लोग, हमने ये कहा था आपको पहले सारा क्वेश्चन करेंगे उसके बाद चेक करेंगे कि गारंटी वाली बातें पूरी हो रही है नहीं। देखो प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है भीम का, प्रॉफिट तो बनता है भीम का 23,400 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 30, तो 23,400 प्रॉफिट में हिस्सा प्लस इंटरेस्ट है 30,000 रुपए, टोटल कितना बन रहा है जी, ये बन रहा है 53,400 रुपीज, ठीक है, विच इज दैट इज लेस देन गारंटेड अमाउंट ऑफ रुपीज 55,000 यानी 55,000। तो डेफिशिएंसी जो है, डेफिशिएंसी विल बी बॉर्न बाय कौन करेगा, डेनियल, और कितनी होगी वो, इक्वल्स टू 55,000 माइनस 53,400। तो कितनी डेफिशिएंसी आएगी, देखो एक बार, ये हो गए 600 और ये 1600 रुपए, 1600 रुपए आपको भीम को डेनियल देगा। ये बात क्लियर है हम लोगों को, ये गारंटी एडजस्टमेंट था, मैंने इसके लिए आपको नोट भी लिखवा दिया, जो चीजें मैक्सिमम डिटेल हो सकती थी करा दिया। आइए जी, तो अब हम क्या करेंगे गारंटी एडजस्टमेंट के लिए, गारंटी एडजस्टमेंट के लिए हम प्लस करेंगे गारंटी एडजस्टमेंट के कारण 1600 रुपए इनके अकाउंट में, भीम के में। इसका आप वर्किंग नोट बता सकते हो, वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने इसकी चर्चा की है। और माइनस कर लेंगे गारंटी एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 की बात कहकर आप, ठीक है, 1600 रुपए माइनस कर देंगे। तो 15,000 में से 1600 गए तो कितने बचे, 15 में से 600 गए तो 15 और 1 14,000 बच गए। ये किसको मिले, डेनियल को। और यहां इनको कितने मिल जाएंगे, इनको मिल जाएंगे 23,000-25,000 रुपए। भीम को प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिलेगा, 25, और इसका तो है ही 39,000। इन तीनों का टोटल कर लो, आपका टोटल आएगा 78,000। चेक कर लेना, क्योंकि टोटल प्रॉफिट जो था आखिरी में 78,000 का डिस्ट्रीब्यूट होना था, जिसमें गारंटी एडजस्ट कर ली थी। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। मैं आपको एक बार स्क्रीन पर दिखा दूं ये पूरा क्वेश्चन जरा, आइए। हाँ, अब दिख रहा है पीएनएल अप्रोप्रिएशन आपको पूरा स्क्रीन पर, अगर नहीं दिख रहा हो, साइज छोटा लग रहा हो तो मैं बड़ा भी कर देता हूं। ये लो, ये पहला हिस्सा है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और कमीशन वाला, उसके बाद ये हिस्सा है गारंटी एडजस्टमेंट का। और वर्किंग नोट दोबारा देखना हो तो ये लो वर्किंग नोट आप लोगों का, ये लीजिए जी, ये वर्किंग नोट आ गया आपका, तो इसे आप नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके,